और मेरे स्वाद के दीवानों, कैसे हो? नीलम फूड ब्लॉग में फ्रेंड आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आ रही हूँ गर्मियों के सीजन के लिए मटका कुल्फी। चलिए बनाते हैं मटका कुल्फी। मटका कुल्फी बनाने के लिए यहाँ हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है और इसे रखेंगे एक कढ़ाई में उबलने के लिए और गैस कर देंगे हाई एकदम, जिससे कि जल्दी से उबले। और यहाँ ड्राई फ्रूट देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ 20-25 किशमिश ली हैं और 10-11 मैंने काजू लिए हैं और ये 15 बादाम हैं और 4 ली हैं ये हरी इलायची। चलिए सबसे पहले हरी इलायची को कूट लेते हैं। ये हल्का सा क्रश करेंगे फ्रेंड हरी इलायची को और इसका पहले छिलका अलग करेंगे। आप बाजार से जो पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं फ्रेंड पिसा हुआ। इसकी खुशबू ज़्यादा तेज़ रहती है, जो घर पे कूटते हैं इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। ये ले लीजिए हमारी हरी इलायची कूट करके तैयार है। और अब हम बादाम कूट लेंगे। ये लीजिए ये भी क्रश हो चुके हैं, कूट चुके हैं। अब हम काजू कूट लेते हैं। काजू भी हमारे कूट करके तैयार हैं। चलिए ये हमारी तैयार हो गई हैं ड्राई फ्रूट। और दूध की तरफ चलते हैं। दूध हमारा लगभग उबलने लग गया है, ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है इसमें अब। और इसे अच्छे से चलाएंगे, ये देखिए, जिससे कि ये नीचे तले में लगे ना। और इसके जो साइडों में मलाई है, ये देखिए इसके साइडों में जो मलाई लग जाती है, इसे चम्मच से इस तरीके से हटाते जाइए, जिससे कि हमारा दूध जल्दी गाढ़ा हो जाता है, ये देखिए। और दूध हमारा घट करके थोड़ा सा कम हो गया है, उस टाइम हमने डाल दिया इसमें 1 कप से थोड़ी सी कम हमारी चीनी है ये, वो डाल दी है। और इसे अच्छे से उबलते उबलते काफ़ी टाइम हो चुका है फ्रेंड, ये देखिए। और ये काफ़ी थिक हो चुकी है आप देख रहे हैं। अब इसमें इसके बाद डालेंगे हरी इलायची, ये देखिए काफ़ी थिक है। अब इसमें डाल देते हैं हरी इलायची जो हमने पाउडर बनाया था, कूटी थी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड, ये देखिए बहुत ही थिक हो चुकी है हमारी ये। इसी तरीके की हमें चाहिए, क्योंकि फिर अगर ये पतली रह जाती है ज़्यादा तो इसमें बर्फ़ जम जाती है कुल्फ़ी में। अब डाल देंगे हम सारी ड्राई फ्रूट, किशमिश हम बाद में डालेंगे जब ये ठंडा हो। अगर आपको कुटे हुए अच्छे नहीं लगते फ्रेंड, क्योंकि दरदरापन किसी किसी को नहीं अच्छा लगता ड्राई फ्रूट का, तो पीस भी सकते हैं। मुझे इसके बाइट अच्छे लगते हैं कुल्फ़ी में, तो इसलिए मैंने कूट लिए हैं। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे, किशमिश हम ठंडा करने के बाद डालेंगे। ये देखिए ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे ये किशमिश, ये देखिए, क्योंकि किशमिश फूल जाती है तो अच्छी नहीं लगती। और अब इसे छोटे छोटे मटकों में भर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से ऊपर तक भर लिया है हमने इसे। और ये इसमें 4 मटके तैयार हुए हैं फ्रेंड, ये देखिए। अब इसे रख देते हैं हम फ्रीजर में 5-6 घंटे के लिए और इसे ढक देंगे ढक्कन से। ये देखिए मैंने ढक्कन से ढक दिया था जो इसमें सूट नहीं हुआ था, और इस पे मैंने पिस्ता भी लगा दिया, ये देखिए पिस्ता भी लगा दिया है। ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मैंने लगा दिया है थोड़ा सा काट करके पिस्ता। ये देखिए ये चारों हमारे मटके तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें बर्फ बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड, जैसे आप बाजार में खाते हैं कुल्फी उससे भी बहुत टेस्टी बनी है, ये देखिए। अगर फ्रेंड आपको ये कुल्फी की रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ये, आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी ये, एकदम मुँह में घुलने वाली। इसमें बर्फ भी बिल्कुल नहीं है फ्रेंड, ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा। एंड बाय बाय, टेक केयर।